बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट भाई ये है कि सऊदी अरब में जो मेरे भाई हैं वो तो बखूबी जानते होंगे कि सऊदी अरब में तमाम तर सऊदी कुछ बाई नहीं भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सऊदी दो तीन या चार शादियाँ करते हैं। दो तो बाई कन्फर्म होता है, लेकिन कोई बाई एक पर ही गुजारा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ ये अपडेट करूँगा कि जो भी सऊदी, चाहे उसने बाई किसी गैर मुल्की लड़की से शादी की हुई है, कोई फिलिपीन की है, नेपाल की है, या इंडिया की है, या कहीं भी और किसी भी कंट्री की है, उसके साथ सऊदी ने भाई शादी की हुई है और वो उसकी बेगम है, तो जाहरी सी बात है वो भी भाई सऊदन ही कहलाएगी जब सऊदी की बेटी होगी। लेकिन अब आने वाली जो नस्ल है वो ही सऊदी बनेंगे। तो उस खातून के मुतल्लिक एक अपडेट दी गई है जी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं इस वीडियो में। और वो ये है भाई कि ऐसी कोई भी लेडी, लड़की या खातून जो कोई गैर कंट्री से तलक रखती है और यहाँ किसी सऊदी के साथ उसने शादी वगैरह की हुई थी, तो वो जॉब वगैरह करना चाहती है अगर सऊदी अरब में। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है, अभी बड़ी मार्केट्स में जैसे जेंट्स वगैरह रखे होते हैं, मर्द हजरात, उनमें सऊदी भी होते हैं और गैर सऊदी भी होते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने तादाद रखी होती है कि आपके पास अगर 50 बंदे काम करते हैं तो 5 आप लेडीज़ रखें, सऊदी औरतें भी रखें साथ में, तो उनको भाई रखनी पड़ती हैं। अगर आप बड़े शहरों में जाएं तो बड़े शहरों की मार्केट वगैरह में टोटली मैंने देखा है भाई सऊदन लड़कियाँ ही बैठी होती हैं। तो वो जो खातून है तो वो गैर मुल्की लेकिन सऊदी की बेगम है, तो वो क्या इन मार्केट में या किसी सरकारी अदारे में काम कर सकती है? तो भाई इसके मुतल्लिक आज वजाहत की गई है कि ऐसी कोई भी लड़की खातून ऐसी किसी भी भाई मार्केट वगैरह में जहाँ पर सऊदी लड़कियाँ या खातून वगैरह काम करती हों या सरकारी अदारों में काम नहीं कर सकती हैं। हाँ, अलबत्ता किसी ब्यूटी पार्लर किसी ने सऊदी लड़की ने या सऊदी खातून ने बनाया हुआ है तो वहाँ पर वो काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। किसी सऊदी खातून ने कोई शॉप वगैरह अपनी बनाई हुई है, उसके नीचे वहाँ पर मुलाजमत के तौर पर अगर काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन सऊदी खातून के बराबर में बैठकर वो खातून काम नहीं कर सकती है, हालांकि वो किसी सऊदी की ही बीवी है। तो भाई उसकी आने वाली नस्ल जो होगी वो सऊदी कहलाएगी। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सऊदी अरब के मुतल्लिक आपको कोई भी और न्यूज़ जाननी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।